हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टार एकेडमी। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर्स के बारे में, मतलब दो वेक्टर्स का प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ए टू वेक्टर्स, जो पहला मैंने जो वेक्टर्स लिए हैं वो इस तरह से लिए हैं, वेक्टर यू वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के कैप एंड बी इक्वल टू, दूसरा वेक्टर जो है बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री इक्वल टू के कैप, बी थ्री इंटू के कैप है, ठीक है। अगर इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे, अगर हमको बी पर का पोजीशन चाहिए कि ऑन बी, यानी बी पर का पोजीशन चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो क्या करेंगे, ए डॉट बी लेंगे, ए डॉट बी लेकर क्या करेंगे, जिसका बोलेगा हमको, जिस पर हमको प्रोजेक्शन चाहिए उसे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। इस तरह से देखिए निकाले, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से निकलेगा। उसके बाद सिमिलरली इसी तरह से अगर हम प्रोजेक्शन ए पर बोल दिया जाए, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ए पर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो हमको दोनों क्या करना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है और एक मैग्नीट्यूड निकालना है। अब इस पर हम कुछ सवाल करते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ आई माइनस जे ऑन द अदर, मतलब ऑन द वेक्टर ऑफ आई प्लस जे। तो हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, जनरली इसको हम क्या करेंगे, ए से नोट करेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई माइनस जे कैप। उसके बाद फिर दूसरा जो वेक्टर मेरा वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे कैप। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको क्या बोल रहा है, ऑन द वेक्टर ऑफ, यानी कि इस पर बोल रहा है हमको, जैसे ऑन द यानी कि आई प्लस जे, हमको आई प्लस जे पर बोल रहा है परछेप निकालिए, प्रोजेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, पहले लिखना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, इसको हम बी माने हैं, तो हमको बी पर का परछेप चाहिए, प्रोजेक्शन चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट बी, जिसका जिस पर हमको बोला जाएगा कि हमको उसका प्रोजेक्शन चाहिए, हमको बी का प्रोजेक्शन बोला जा रहा है, इसको बी माने थे, हम क्या करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर ए डॉट बी करेंगे, ए क्या मेरा आई माइनस जे इंटू आई प्लस जे, और मैग्नीट्यूड बी जो मेरा, इसे क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो i कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस फिर इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 का स्क्वायर। तो ये डॉट प्रोडक्ट में क्या, मतलब सिमिलरली हमको क्या करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, जैसे i के साथ हमको i के साथ चलना है, तो i मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 होता है, तो 1 फिर माइनस यहाँ पर है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, फिर j इंटू j क्या होता है, 1 होता है, उसमें क्या 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो 1 प्लस 1 कितना रूट 2 होगा, तो 1 माइनस 1 जीरो बाई रूट 2 इसलिए 0। तो मेरा जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी निकलेगा वो क्या निकलेगा, 0 आंसर निकलेगा। फिर मेरा सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पर देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लिए हैं, तो हमको क्या बोला गया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो यहाँ पर प्लीज हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, मेरा वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया गया है, आई प्लस 3j प्लस 7k, और दूसरा जो मेरा वेक्टर है b इक्वल टू क्या है, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। हमको b पर का प्रोजेक्शन मांगे ऑन द अदर वेक्टर्स b, यानी कि हमको क्या बोलेंगे, ऑन द, मतलब हमको इस पर का प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर से यहां पर लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन बी, तो हम दोनों क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, मैग्नीट्यूड किसका, किस पर बोला गया, बी पर, तो बी का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो हम दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j प्लस 8k, बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, किसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। फिर यहां पर क्या होगा, i इंटू 7i, तो यहां इधर कोएफिशिएंट 1 और इंटू 7, क्या होगा 7 3 3 और माइनस 1, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना होगा, माइनस 3, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 18 कितना हो जाएगा, 56 डिवाइडेड 49 प्लस 1 प्लस 64।
तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का जो मेरा प्रोजेक्शन निकलेगा 60 डिवाइडेड अंडर रूट 140 निकलेगा। तो यहाँ से वही इन दोनों क्या किया हम डॉट प्रोडक्ट निकाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या किया है बी का फिर मैं रेशियो निकाले हैं इस तरह से, तो इस तरह से आंसर निकला है। फिर मैं थर्ड क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन लिए हैं, इसमें क्या है फाइनल प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए ऑन बी, हमको बी पर का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो है वेक्टर बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, मेरा वेक्टर ए डॉट बी दिया गया है एक, ठीक है। और हमको यहाँ से वेक्टर बी इक्वल टू क्या दिया गया है 2i + 6j + 3k, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट यहाँ पर लिखेंगे प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, हमको बी पर का प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो वेक्टर ए डॉट बी का क्या करेंगे, पहले ए डॉट बी लेंगे और उसे बी क्या लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे, ए डॉट बी हमको दिया गया 8, डिवाइडेड क्या करेंगे बी का मैग्नीट्यूड, सब कोएफिशिएंट क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 8 डिवाइडेड अंडर रूट 4 + 36 + 9, तो 40 49, तो 8 डिवाइडेड 7 हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का जो प्रोजेक्शन होगा 8 डिवाइडेड 7 आंसर होगा। तो मेरा अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये है, क्या बोला कि फाइंड द लैम्डा, हमको क्या करना है लैम्डा फाइंड करना है, लैम्डा इक्वल टू व्हाट, हमको क्या दे रखा है वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर कैप, फिर वेक्टर बी दिया गया है 2i + 6j + 3k इस तरह से, और हमको जो प्रोजेक्शन वेक्टर ए ऑन बी पर का प्रोजेक्शन कितना यूनिट 4 यूनिट दिया गया है, कहने का मतलब यहाँ पर जो लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ए डॉट बी, बी का मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि हमको बी पर का प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया गया है ऑन बी, तो यहाँ पर ए डॉट बी लेंगे लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4 × 2i + 6j + 3k, और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसको 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए यूनिट जो दिया गया है ये प्रोजेक्शन ऑन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी बराबर 4 यूनिट दिया गया है हमको, ठीक है। यहाँ पर जो बोला गया है वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी पर का यूनिट है वो क्या है 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लेमडा इंटू 2 क्या होगा 2 लेमडा, यहाँ पर 1 है ये जे कैप है यहाँ पर, तो 1 इसका कोएफिशिएंट होगा 1 + 1 × 6 क्या होगा 6 × 4 × 3 12, और यहाँ पर देखिए ये कितना होगा 36, उसके बाद 9, उसके बाद 16। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर 36 + 4 = 40, 40 + 9 तो 49 होगा, तो स्क्वायर रूट जो होगा √49, तो यहाँ से फिर इसका हम कैलकुलेशन करेंगे 4 = 12 + 6 = क्या होगा 18, 2 λ + 18 / 7, और इसमें इधर आएगा मल्टीप्लाई होगा 2λ = 7 × 4 कितना होगा 2λ + 18 = 28, 2λ = 28 माइनस करेंगे यहाँ पर 2λ = 28 - 18, 2λ = 5, 28 - 18 करेंगे कितना होगा 18 होगा, और ये 5 से क्या होता है डिवाइड होता है, तो 11 = 5, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा 5 आंसर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए
ए डॉट बी हमको क्या लेना है, इसका लेना है हमको पहले ही देख, ए डॉट बी का मतलब ए ऑन बी पर का जो प्रोजेक्शन है चार यूनिट दिया है हमको, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कितना चार यूनिट दिया गया है, और इतना ए डॉट बी बी पर का प्रोजेक्शन पूरे, तो इसका मैग्नीट्यूड ए डॉट बी लेना है हमको, ए डॉट बी लिए इतना आया मेरा ठीक है, और मैग्नीट्यूड बी जो यहाँ पर किया है इसका मैग्नीट्यूड निकाला है इस तरह से, तो यहाँ पर फोर इक्वल टू क्या है, इसको करेंगे 2 लैम्डा प्लस 18 और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 7, तो 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 28, 2 लैम्डा प्लस 18 इक्वल टू 28 होगा, तो 2 लैम्डा इक्वल टू 28 माइनस 18 के यहां पर 2 लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 10, तो 2 से 5 और डिवाइड होगा तो लैम्डा इक्वल टू कितना होगा 5 आंसर होगा इसका। Find the projection B plus C. Plus C on vector A, where vector A equal to 2i minus 2j प्लस के कोमा तो यहाँ पर देखिए हम क्वेश्चन जो लिए हैं वहाँ जो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन वेक्टर ए, हमको क्या करना है यहाँ से पहले सॉल्यूशन लिखना है ठीक है, और बी प्लस सी पहले करना है, बी प्लस सी ना सारा दिया गया यहाँ पर, हमको वेक्टर बी प्लस सी करना है, तो वेक्टर बी प्लस सी मेरे कितना आई प्लस टू जे माइनस टू के प्लस करना है सी कितना टू माइनस जे प्लस फोर के, ऐसे क्या करना टू प्लस वन कितना होगा आई प्लस टू आई थ्री आई टू जे, टू जे में से वन वन जे जाएगा कितना जाएगा वन जे वन जाएगा, उसके बाद माइनस टू के प्लस फोर कितना होगा टू के, तो वेक्टर बी प्लस सी में जो है कितना निकला है, तो उसके बाद हमको क्या दिया गया वेक्टर ए दिया गया यहाँ पर, वेक्टर ए इक्वल टू टू आई माइनस टू जे प्लस के ठीक है, हमको वेक्टर b प्लस सी ऑन ए हमको इस पर का प्रोजेक्शन पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे इसे इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन, रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b प्लस सी ऑन वेक्टर a, वेक्टर बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके बाद हम इसका और इसके क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे थ्री आई माइनस जे प्लस टू के इंटू टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप डिवाइड में क्या करेंगे मैग्नीट्यूड ए लेंगे, तो क्या है सब कोफिशिएंट कितना होगा टू का स्क्वायर प्लस करेंगे फिर माइनस टू का स्क्वायर करेंगे फिर उसके बाद फिर प्लस वन का स्क्वायर करेंगे थ्री मल्टीप्लाई टू कितना होगा सिक्स माइनस वन माइनस माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू कितना होगा प्लस टू फिर प्लस टू मल्टीप्लाई प्लस वन कितना होगा वन, और उसके बाद यहाँ पर जो है टू का स्क्वायर कितना होगा एट, एट प्लस वन कितना होगा नाइन, तो नाइन अब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा थ्री सिक्स प्लस टू एट, एट प्लस वन कितना होगा नाइन, नाइन डिवाइडेड थ्री, थ्री इक्वल टू थ्री से थ्री बार में से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा थ्री,
तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी प्लस सी ऑन ए का जो है थ्री आंसर नहीं लगेगा। इस तरह से पहले हम क्या किए थे, हमको बी प्लस सी ऑन ए का प्रोजेक्शन पूछा गया था, तो हमको वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया गया था इतना क्वेश्चन में, तो बी प्लस सी हम इन दोनों क्या किए योग किए, तो हमको कोई दूसरा एक वेक्टर मिला यहाँ से, ये मैं दूसरा वेक्टर मिला है इन दोनों को योग करने बाद, और वेक्टर ए हमको दिया गया था, तो वेक्टर बी प्लस सी ऑन ए हमको ए पर का प्रोजेक्शन पूछा गया था, हमको क्या करना है इन दोनों डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेकर जिस पर प्रोजेक्शन पूछा जाएगा उसे करना मैग्नीट्यूड करना है, बस से कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देना है वहाँ पर। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है तो इस क्वेश्चन में क्या किया गया, पहले यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, हमको एक वेक्टर दिया गया है, इसको लेट कर लेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या है 2i माइनस 3j माइनस 6k इस तरह से, और हमको ये जो लाइन जो कर रही है, ये लाइन जो ज्वाइनिंग कर रही है दो पॉइंट्स, ठीक है, इस पॉइंट पर का हमको बोला प्रोजेक्शन निकालने के लिए, तो इसको मान लेते हैं मैं OA और ये क्या है OB, OA क्या दिया गया है 5i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, सब में i j k लगाना है, उसके बाद OB क्या दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब यहां से हमको वेक्टर ए भी निकालना है, क्या होगा पोजिशन वेक्टर ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, तो यहां पे करना क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ बी कहने का मतलब हुआ कि ओ बी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी कहने मतलब क्या हुआ ओ बी, तो क्या ओ बी लेना है 3i प्लस 4j माइनस 2k, तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ ए तो ओ ए, तो क्या है 5a प्लस 6j माइनस 3k है, तो यहाँ से क्या करेंगे निकालेंगे ए बी वेक्टर ए बी को क्या होगा 3i प्लस 4j माइनस 2k, ई माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 5i कैप फिर माइनस प्लस माइनस 6j कैप माइनस माइनस प्लस क्या होगा 3k कैप होगा यहाँ पर। अब इस सब क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3i कैप माइनस 5i कैप कितना होगा माइनस 2i कैप, उसके 4j कैप माइनस 6j कैप कितना होगा माइनस 2k कैप माइनस 2j कैप होगा यहाँ पर j वाला स्थिति कर रहे हैं, उसके बाद फिर माइनस 2k कैप प्लस 3k कैप क्या हो जाएगा k कैप। अब देखिए हमको वेक्टर a और वेक्टर ए भी निकल गया है, हम क्या इसी पर का प्रोजेक्शन पूछा गया था, ये जो लाइन है ठीक है इस लाइन पर प्रोजेक्शन पूछा गया था, तो हम इस पर का प्रोजेक्शन निकालेंगे, इधर से देखिए यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर ए बी, तो क्या करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और ए बी का क्या करेंगे मैग्नीट्यूड करेंगे, यहाँ लगे फिर ए मेरा क्या है यहाँ पर 2 - 3 - 6k डॉट माइनस 2i उसके बाद माइनस 2j उसके बाद प्लस के है, और क्या करना ए बी का हम क्या इसका मैग्नीट्यूड लेना क्योंकि हमको इस पर का प्रोजेक्शन पूछा गया है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे इस तरह से, तो यहाँ से क्या होगा 2 में मल्टीप्लाई माइनस 2 करेंगे कितना होगा माइनस 4, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 करेंगे क्या होगा प्लस में 6, माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे कितना होगा माइनस 6 होगा, उसके बाद यहाँ पर जो आएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस 4 के 8 प्लस 1 के 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, ये 6 और ये 6 कटेगा 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 तो माइनस प्लस 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई प्लस 1 ठीक है ये 6 कटेगा क्या हो गया माइनस 4 डिवाइडेड 3, तो क्या आ जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में इस वेक्टर पर इस लाइन पर का जो प्रोजेक्शन होगा माइनस 4 डिवाइडेड 3 होगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में जितना सारा क्वेश्चन था हम बता दिए हैं,
इससे ज़्यादा आपको पॉलिटेक्निक में इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, तो इतना क्वेश्चन का आप रिवाइज कर ले तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो अच्छे से जाइए, उसको रिवाइज कर लीजिए।